हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल था। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो कट ऑफ आते हैं उस कट ऑफ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, व्हाई आई नीड टू मेक दिस वीडियो। इसका रीज़न ये है कि आप ये वीडियो देखने आए हैं, सर्च किए हैं, इस वीडियो को आप देखेंगे। हो सकता है आपने ऑलरेडी इसके पहले 4 वीडियो देख रखा हो या इस वीडियो के बाद आप 4 वीडियो देखेंगे सिर्फ इसी टॉपिक पे। तो मैं ये बता दूं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना वीडियो देख रहे हैं या आपने कितने वीडियो देख रखे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एमयू एंट्रेंस का जो कट ऑफ है वो वही आएगा जो आना है। लेकिन हाँ, ये 4-5 वीडियो देखने के चक्कर में आपका घंटों बर्बाद हो जाता है। एक वीडियो आपने देखा, जस्ट स्लाइड करा, फिर अगला वीडियो देखा, जस्ट स्लाइड करा, फिर अगला वीडियो देखा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका एक रीज़न ये है कि कोई भी जो आपको बता रहा है या तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है या फिर वो ऐसा सोर्स है या फिर जहाँ से वो जानकारी ले रहे हैं वो ऐसा सोर्स है जो सही नहीं है। क्योंकि ज्ञानी बाबा तो सब लोग बन जाते हैं। ज्ञान देना बहुत आसान बात होती है ना, जिसको कुछ नहीं आता वो ज्ञानी बाबा बन जाता है, ज्ञान देना चालू कर देता है कि कट ऑफ कितना है कितना नहीं है। तो मैं ये बता दूँ आपको, आप हो सकता है जानते भी होंगे कि एमयू का जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके कट ऑफ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होते हैं। वो जस्ट क्या करते हैं, जो रैंक वाले बच्चे होते हैं, जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं, उनका वो नाम लिस्ट में ऊपर रख देते हैं और उन्हीं का नाम सिलेक्टेड लिस्ट में और चांस मेमो लिस्ट में आता है, किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं आता है। और कट ऑफ जो है ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता है। यही जानना एकदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर हम कैसे जाने, बात ये भी है कि हम कैसे जाने कि कट ऑफ कितना आया है। तो कट ऑफ जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर है ना, जो बच्चे उस एग्ज़ाम को दिए हैं, पास किए हैं, उनका एडमिशन हो गया है, आप उन्हीं से पता करें। नहीं पता कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल हैं, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना आया था। तो मैं ये बता दूँ कि एमयू का जो 11th है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, दोनों कम्बाइनली एक ही साथ एग्ज़ाम होते हैं और दोनों का कट ऑफ एक ही साथ जारी होते हैं। तो जो एमयू क्लास 11th का कट ऑफ होता है उससे 5 नंबर है ना, 5-7 नंबर कम जो है एमयू का जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उसका कट ऑफ आता है। तो अब सवाल ये है कि कट ऑफ कितना आता है। तो मैं ये बता दूँ कि 2019 में एक मेरा जूनियर है, उसने एग्ज़ाम दिया था 11th का, उसके 55 मार्क्स के आसपास उसके कट पिट के नेगेटिव मार्किंग करके आ रहे थे। उसका एडमिशन हो गया, उसको अल्लामा मिल गया, अल्लामा जो स्कूल है, अल्लामा हॉस्टल है, वो मिल गया उसको। वो 11th में एमयू से अपनी पढ़ाई कर रहा है। जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो कट ऑफ आए थे, इसमें मैंने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग दिया था तो मेरे 52 मार्क्स आ रहे थे और मेरा चांस मेमो लिस्ट में 123 रैंक था एमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। एमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग और क्लास 11th दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ कम्बाइनली होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बता दी गई हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम कट ऑफ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ से ही जो रिलेटेड चीज़ें हैं हम उसके बारे में भी देखना स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए सब चीज़ें छोड़िए, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे, आखिर कट ऑफ कितना था। तो प्रीवियस ईयर आप अंदाज़ा लगा लीजिए 2019 में कितना आया था, 55 के आसपास। इस बार डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 52-53 के आसपास। तो वही एमयू क्लास 11th का कट ऑफ कितना होगा, जाहिर सी बात है 60 प्लस एमयू क्लास 11th का कट ऑफ इस बार रहा होगा, जाहिर सी बात है। क्लास 11th है एमयू क्लास 11th, तो इसके जो कट ऑफ हैं है ना, वो कितने आने हैं 60 मार्क्स के आसपास है ना। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो जो है आने हैं 55 मार्क्स के आसपास। इससे थोड़ा सा वैरी कर सकता है, ये जो डाटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है इससे थोड़ी बहुत चीज़ें तो वैरी करेंगी ही, जाहिर सी बातें करेंगी, क्योंकि कट ऑफ जो है सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, कट ऑफ कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि उस साल कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्ज़ाम में और साथ ही साथ उस साल का पेपर पैटर्न कैसा था, एग्ज़ाम का टफनेस लेवल कितना था, एग्ज़ाम टफ था या ईजी था, इस पर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा या फिर कितना गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।